हरे खाटू धाम विराजत खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे की माला सिर पर मुकुट धरे प्रभु सिर पर मुकुट धरे पीत वसन पीतांबर कुंडल कर्ण पड़े ओम जय श्री श्याम हरे सिंहासन राजत सेवक भक्त खड़े प्रभु सेवक भक्त खड़े खेवत धूप अग्नि पर खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जरे ओम जय श्री श्याम हरे भरे प्रभु सुवर्ण थाल भरे सेवक भोग लगावत बालक भोग लगावत सेवा नित्य करे ओम जय श्री श्याम हरे आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे फल पावे सब दुख
से उबरे, प्रभु सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, सेवक जन निज मुख से श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे, हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे, ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, निज भक्तों के तुमने पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे, धनी की बोलिए, बाबा लखदा तारी की बोलिए, बाबा तीन बाण धारी की। भक्तजनों, इस घनघोर कलयुग में मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी सब भक्तों को अपने धाम पर बुलाते हैं तथा उन्हें अपना पावन दर्श दिखाकर उन्हें कृतार्थ करते हैं तथा कलयुग के कष्टों से मुक्ति दिलवाते हैं। तो आइए इस संगीत में कथा के माध्यम से सुनते हैं मेरे खाटू वाले श्याम धनी की पावन पवित्र कहानी। तो एक बार फिर मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए, बोलिए बाबा श्याम धनी सरकार की। जब जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, जब जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हो जब जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे उन्होंने खाटू नगरी को अपना पावन धाम बनाया, कैसे इस कलयुग में वो कृष्ण कन्हैया के नाम से पूजे जाते हैं, ये सब पवित्र पावन प्रसंग जो वेद पुराणों में वर्णित हैं, मैं आज आपको संगीत में रूप में सुनाने जा रहा हूं।
तो खाटू वाले श्याम बिहारी के पावन स्वरूप का मन में ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं आगे की कथा। कैसे खाटू नगरी का वो अपना धाम बनाए, कैसे इस कलयुग में काना रूप में पूजे जाए। हाँ कैसे खाटू नगरी का वो अपना धाम बनाए, कैसे इस कलयुग में काना रूप में पूजे जाए। वेद पुराणों में लिखी वो महिमा गाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं। हाँ खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी की पावन कथा महाभारत के काल से प्रारंभ होती है। महाभारत जिसके महानायक भगवान श्री कृष्ण है, कौरव और पांडवों के बीच धर्म युद्ध की कथा है महाभारत। कैसे इस महाभारत की कथा में मेरे श्याम धणी आते हैं, आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र कथा। महाभारत के काल की भक्तों है ये परम कहानी, तुमको कथा सुनाऊं पावन भक्तों अपनी जुबानी। हाँ महाभारत के काल की भक्तों है ये परम कहानी, तुमको कथा सुनाऊं पावन भक्तों अपनी जुबानी। कथा सुनी खाटू की जिसने पार बजाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं। जय हो खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी का नाम बरबरीक था, उनके पिता महाबली घटोत्कच थे और माता अहिलावती। वीर बरबरीक भीम के पौत्र थे, ऐसे महाबली ऐसे महाप्रतापी जब महाभारत का युद्ध लड़ने का आह्वान करते हैं तब कृष्ण कन्हैया क्या लीला दिखलाते हैं, आइए सुनते हैं। वीर घटोत्कच पिता तुम्हारे अहिल्यावती के लाला, पौत्र भीम के सबसे निराले भक्तन के प्रतिपाला। हाँ वीर घटोत्कच पिता आपके अहिल्यावती के लाला, पौत्र भीम के सबसे निराले भक्तन के प्रतिपाला। मात पिता फिर बरबरीक तो नाम धराते हैं, मात पिता फिर बरबरीक तो नाम धराते हैं, हम खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं। खाटू वाले श्याम धणी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों वीर बरबरीक बालापन से ही अत्यंत बलशाली योद्धा थे, एक से एक युद्ध कला उन्होंने अपनी माँ और कृष्ण कन्हैया जी से सीखी थी। फिर अपनी माता के कहने पर उन्होंने महाशक्ति महा दुर्गा का घनघोर तप किया और माँ से उन्हें तीन दिव्य बाण मिले जिसे वरदान स्वरूप माँ दुर्गा ने वीर बरबरीक को दिया।
और कहा, तुम केवल इन तीन बाणों के माध्यम से त्रिलोकी के विजेता बन सकते हो। वीर बर्बरिक ने वो तीन बाण सदा अपने तरकश में रखे, इसीलिए इनका एक नाम तीन बाणधारी भी है। भक्तों, मैया से और कान्हा जी से शिक्षा दीक्षा पाई, माँ दुर्गा के ध्यान में भक्तों धुनी लई रमाई। हाँ, मैया से और कान्हा जी से शिक्षा दीक्षा पाई, माँ दुर्गा के ध्यान में भक्तों धुनी लई रमाई। तीन बाण मैया से वर में फिर वो पाते हैं, हम काटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम काटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, अब वीर बर्बरीक ने अग्निदेव का घनघोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने दर्शन दिए और वीर बलि बर्बरीक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। भक्तों, अब वीर बर्बरीक के मन में आई कि वो भी इस युद्ध में भाग लेने जाएंगे। जब माता से आज्ञा ली और माता ने पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, तब उन्होंने कहा, माँ, जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तभी से भक्तजन इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। भक्तों, अग्निदेव से दिव्य धनुष बर्बरीक ने पाया, महाभारत का युद्ध लड़ूं मैं उनके मन में आया। अग्निदेव से दिव्य धनुष बर्बरीक ने पाया, महाभारत का युद्ध लड़ूं मैं उनके मन में आया। हारे का मैं बनूं सहारा माँ को बताते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। जब भगवान कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि वीर बर्बरी हारने वालों की तरफ से लड़ने आने वाले हैं, वो जान गए हारेंगे तो कौरव ही, और यदि कौरवों की तरफ से वीर बर्बरीक लड़े तो पांडवों की विजय कभी नहीं हो सकती थी। सो कृष्ण कन्हैया ने माया रचाने की सोची और वीर बलि बर्बरीक को मार्ग में ही रोकने का एक उपाय बनाया। वो उपाय क्या था, वो लीला क्या थी, आइए सुनते हैं। बाण रखे कांधे पर लील को एड़ लगाई, महाभारत फिर लड़ने चले थे बर्बरीक बलदाई। हाँ, तीन बाण कांधे पर रखे लील को एड़ लगाई, महाभारत फिर लड़ने चले थे बर्बरीक बलदाई। कान्हा उनको रोकने की युक्ति लगाते हैं, हाँ, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। जय हो।
जिस मार्ग से वीर बलि बर्बरी युद्ध लड़ने को आ रहे थे भक्तों, कृष्ण कन्हैया एक बूढ़ा ब्राह्मण बनकर मार्ग के बीचों बीच लेट गए। जब वीर बर्बरीक ने उनसे इसका कारण पूछा तो बजाय कारण बताने के वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कृष्ण कन्हैया बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो अपनी शक्ति का थोड़ा सा परीक्षण मेरे आगे भी करो और इस एक बाण से जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा हूं इसके सारे पत्ते बींद कर दिखाओ। अब आगे वीर बर्बरी क्या वीरता दिखलाने वाले हैं भक्तों, आइए सुनते हैं। जिस मार्ग से वीर बलि थे युद्ध को लड़ने जाए, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर कान्हा वहां पर आए। हाँ, जिस मार्ग से वीर बलि थे युद्ध को लड़ने जाए, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर कान्हा वहां पर आए। बाणों की शक्ति दिखलाओ वो फरमाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। वीर बर्बरीक ने वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में शीश नवाया और तरकश से एक बाण निकाला। जैसे ही दिव्य धनुष से वो बाण छोड़ा, वो बाण पेड़ के सारे पत्ते बींद कर वापस तरकश में आ गया। तब कान्हा ने जान लिया, यदि बर्बरीक युद्ध में गए तो कौरवों को कोई नहीं हरा सकेगा। तब वो अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, हे बर्बरी, मैंने तुम्हें बचपन में युद्ध कला सिखलाई थी, आज उसी शिक्षा के बदले मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। वीर बर्बरीक ने कृष्ण कन्हैया के चरणों शीश झुकाया और पूछा, हे गुरुदेव, कहिए क्या आज्ञा है। एक बाण से पेड़ के सारे पत्ते बींद दिखाए, शक्ति देखी वीर की कान्हा असली रूप में आए। हो, एक बाण से पेड़ के सारे पत्ते बींद दिखाए, शक्ति देखी वीर की कान्हा असली रूप में आए। गुरु दक्षिणा मुझको दो कान्हा फरमाते हैं, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। तब कृष्ण कन्हैया ने कहा, हे वीर बर्बरी, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इसी समय अपना शीश काट कर मेरे चरणों में समर्पित कर दो। बालक बर्बरीक ने एक क्षण की देर लगाए बिना भक्तों अपनी कमर से बंधी कटार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर कृष्ण कन्हैया के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरकर उसकी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। आगे की मार्मिक कथा मैं आपको सुना रहा हूं भक्तों, परंतु बार बार याद भी दिला रहा हूं कि खाटू वाले श्याम धनी का सुमिरन करना मत भूलिएगा। अपने शीश को काट के मेरे चरणों में चढ़ाओ, गुरु
दक्षिणा देकर मुझको अपना फर्ज निभाओ। हाँ अपने शीश को काट के मेरे चरणों में तो चढ़ाओ, गुरु दक्षिणा देकर मुझको अपना फर्ज निभाओ। शीश काट के अपना फिर कान्हा को चढ़ाते हैं हम खाटू वाले, श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ कृष्ण कन्हैया की आंखों में आंसू हैं, उन्होंने हाथ में बरबरीक के कटे शीश को लिया हुआ है। बरबरीक का कटा शीश श्री कृष्ण से बस एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु कृपा कर मुझे महाभारत का युद्ध देखने दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ आपकी लीला क्या है, आपके होते कौन हारता है और कौन जीतता है। कृष्ण कन्हैया लाल ने तथास्तु कहकर कटे हुए शीश की ये इच्छा पूर्ण की भक्तों। कटे शीश ने एक ही इच्छा काना से बतलाई, महाभारत का युद्ध मैं देखूं ये इच्छा जतलाई। हो कटे शीश ने एक ही इच्छा काना से बतलाई, महाभारत का युद्ध मैं देखूं ये इच्छा जतलाई। युद्ध देखने का उनसे वरदान वो पाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हम तीन बाणधारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। कटे हुए शीश ने जब ये वरदान कृष्ण कन्हैया से पाया तो उन्मुक्त स्वर में कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करने लगा। श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें वरदान दिया, हे बरबरीक तुम कलयुग के सच्चे देवता कहलाओगे और तुम्हारा ये शीश मेरे नाम से कलयुग में पूजा जाएगा। खाटू नगरी में तुम्हारा धाम होगा, जहां जो भी भक्त अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आएगा तुम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। तभी से इस घनघोर कलयुग में मेरा श्याम धनी अपने दर पर लाखों करोड़ों भक्तों को बुलाता है तथा उनकी मन की मुरादें पूर्ण करता है। कान्हा ने वरदान दिया तुम परम गति पाओगे, कलयुग में तुम मेरे नाम से फिर पूजे जाओगे। हाँ कान्हा ने वरदान दिया तुम परम गति पाओगे, कलयुग में तुम मेरे नाम से फिर पूजे जाओगे। तब से खाटू नगरी को वो धाम बनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। खाटू नगरी भारत वर्ष के राजस्थान राज्य में स्थित है भक्तों, जहाँ हर वर्ष हर समय बाबा के दर पे मेला लगा रहता है। भक्तों का रेला हाथ में बाबा का निशान लिए उनके लिए अलग अलग रंगों के बागा लेकर उनके द्वार पर आते हैं, जय जयकार करते हैं,
नाचते हैं गाते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, चूरमे का भोग उन्हें समर्पित करते हैं तथा मेरे बाबा श्याम धनी की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे दयालु, ऐसे हारे के सहारे, ऐसे तीन बाणधारी की सच्चे हृदय से एक बार फिर जय जयकार बोलिए भक्तों, दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए खाटू वाले श्याम सरकार की। खाटू नगरी में सब आते दर्श तिहारा पाते, दोनों हाथ उठा श्रद्धा से चंदन तिलक लगाते। हाँ खाटू नगरी में सब आते दर्श तिहारा पाते, दोनों हाथ उठा श्रद्धा से चंदन तिलक लगाते। केसरिया बागा तुमको फिर भक्त पहनाते हैं। हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। मैं करूं
से जाऊं। बड़ी खाटू वारे से अब घर कैसे जाऊं। संग खाटू वारे से अब घर कैसे जाऊं। काली घाट पे शाम कुंड पे गोवर्धन में वृंदावन में बरसाने में काली घाट पे
राधे राधे श्याम कुंड पे, श्याम कुंड पे ये गोवर्धन में, वृंदावन में, वृंदावन में बरसाने में। कर लो
शाम दीवाने चले हैं देखो मिलकर दिल्ली धाम जी, मिलकर दिल्ली धाम जी, मिलकर दिल्ली धाम जी। वो शाम दीवाने चले हैं देखो मिलकर दिल्ली धाम जी, हाथों में निशान उठाए बोले जय श्री श्याम जी। रहे हैं ढोल नगाड़े बाज रहे, शाम नाम की माला पटके सबके गल में साज रहे, सबके गल में साज रहे, सबके गल में साज रहे। भक्त खुशी में नाच रहे हैं ढोल नगाड़े बाज रहे, शाम नाम की माला पटके सबके गल में साज रहे। कोई पैदल कोई पेट पलनिए जाते भक्त तमाम जी, हाथों में निशान उठाए बोले जय श्री श्याम जी। आज तो भक्तों सारा शाम परिवार है, मिलकर के सब बोल रहे पापा की जय जयकार है, पापा की जय जयकार है, पापा की जय जयकार है। हुआ इकट्ठा आज तो भक्तों सारा शाम परिवार है, मिलकर के सब बोल रहे पापा की जय जयकार है। करेंगे कृपा बाबा सब पर बनेंगे सबके काम जी, हाथों में निशान उठाए बोले जय श्री श्याम जी। श्री श्याम की कैसे अजब नजारे हैं, जगह जगह पर श्याम प्रेमी लगा रहे भंडारे हैं, लगा रहे भंडारे हैं, लगा रहे भंडारे हैं। शोभा यात्रा श्री श्याम की देखो अजब नजारे हैं, जगह जगह पर श्याम के प्रेमी लगा रहे भंडारे हैं। सब भक्तों का स्वागत करते जावे घन श्याम जी, हाथों में निशान उठाए बोले जय श्री श्याम जी। जितने ट्रस्टी दिल्ली धाम के शाम निशान उठाया है, हंसराज विनय सिंगल पर भी शाम का जादू छाया है, शाम का जादू छाया है, शाम का जादू छाया है। जितने ट्रस्टी दिल्ली धाम के शाम निशान उठाया है, हंसराज विनय सिंगल पर भी शाम का जादू छाया है। भीम सेन और फौजी सुरेश भी जपे शाम का नाम जी, हाथों में निशान उठाए बोले जय श्री श्याम जी। दीवाने
प्रेमियों, आज खाटू श्याम दिल्ली धाम की चर्चा गांव गांव गलियारे में गूंज रही है। आइए आप और हम सभी इस भजन के माध्यम से चलते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। बोलिए दिल्ली धाम की जय, जय श्री श्याम। सफल बनावेगी दर्शन करने शाम धनी का सारी दुनिया आवेगी, शाम कुंड में लगा के डुबकी जीवन सफल बनावेगी। शाम वाटिका गौशाला बने मंदिर राम का, शाम वाटिका गौशाला बने मंदिर राम का, मंदिर राम का। बनेगा मंदिर बाबा श्याम का, छत्तीस धाम और बनेगा मंदिर बाबा श्याम का, अरे रे मारे बाबा श्याम का।
किस्मत वाला सभी धाम पावन और पवित्र हैं, उन्हीं में से एक है दिल्ली धाम। तो आइए बाबा के सभी प्रेमी मिलकर आज बाबा को बड़े भाव से रिझाते हैं। जय श्री श्याम। आई हूँ मैं दिल्ली धाम श्याम को रिझाने, आई हूँ मैं दिल्ली धाम श्याम को रिझाने, श्याम को रिझाने आई
शाम इस दर पे गूंजे शाम नाम के जयकारे सुबह शाम इस दर पे गूंजे शाम नाम के जयकारे प्यारा लागे बाबा भक्तों को और भक्तिन को प्यारे प्यारा लागे बाबा भक्तों को और भक्तिन को प्यारे श्रद्धा भाव से करते हैं करके सांवरिया का मन चाहा फल पाते हैं
श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, हो बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, ओ बन गया खाटू श्याम का देखो पावन दिल्ली धाम जी, बन गया खाटू श्याम का देखो पावन।